Hello everyone and good afternoon. You are watching PME with channel and also NCERT official. I am with you, Dharmin Singh. Uh, today we have something very very special. Uh, let me introduce the subject first which is science for class 10 student. एंड द टॉपिक वॉट वी हैव टू डे विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इसके ऊपर चार सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं आज ये पाँचवां और कंक्लूडिंग आ, सेशन रहेगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक एक्टिविटीज कुछ एक डाउट्स कुछ एक प्रश्नों को रखकर आपको उन सारी चीज़ों की जो यात्रा रही है पहले सेशन से लेकर अब तक जो पाँचवा भाग आज हम डील करेंगे वो आप तक जरूर पहुँचें इससे संबंधित तो अगर आपके कोई प्रश्न है कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर डबल एट डबल ज़ीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन यहाँ पर आप फोन करके भी अपने प्रश्नों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट आप जुड़े हैं स्टूडियो से उनसे उन प्रश्नों के उत्तर आपको आज ही के सेशन में दिलवा ले जाए बिना किसी इंतजार के और क्या कर सकते हैं आप मेल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल मेल आई डी स्पेशली फॉर क्लास टेन स्टूडेंट डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन एंड टू वॉच दिस प्रोग्राम लाइव आप ट्यून कर सकते हैं पी एम ई विद्या चैनल नंबर दस यानी टेन और उसके अलावा एन सी ई आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी और भी अगर कार्यक्रमों के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप सी और स्वयं प्रभा की जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करेंगे तो सारे कार्यक्रमों की सूची से भी भली भाती परिचित होंगे समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का इससे पहले कि मैं उनका नाम बताऊँ आपने वर्चुअली उनको काफ़ी सेशन्स कंडक्ट करते हुए देखा होगा आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तो यहीं से आज हम उनका वेलकम भी कराएंगे बहुत बहुत स्वागत है मिस गौरी रॉय जो कि पी फिजिक्स से हैं डी एम से हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं नई दिल्ली एन से स्वागत है आपका थैंक यू धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है स्टूडियो से क्लास लेते हुए और आशा करती हूँ आज का क्लास भी सब बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून इससे पहले कि हम सीधा अपने टॉपिक पर आकर बात करें इससे पहले चार सेशन हो चुके हैं ये कंक्लूडिंग रिमार्क वाला सेशन है इसके हाँ। इसके बाद ऊपर शायद सेशन हम बाद में फिर कभी लें तो आ, कैसे इसको हम आगे बढ़ने वाले मैंने एक जरूर एक बात कही थी कि हम कुछ एक प्रश्नों के सहारे इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ करें फिर आगे की तरफ जाएं। जी हाँ बिल्कुल आ, पिछले चार सेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली हाउ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर्स वॉट इज द रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ करेंट इन कंडक्टर्स what is there in uh, the conductors that a current flows and we learned about how do we measure this electric current and uh, what are the effects of current and in uh, when we started learning about effects of current we also learned like what all effects are there and we learned majorly about the heating effects of current mm -hmm. and that was the uh, la in the last session that was mainly discussed uh, and we tried to measure कि जब करंट फ्लो करती है तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करती है कितने वोल्टेज पे करंट कितना वोल्टेज रहता है कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट हाउ मच पावर इज प्रोड्यूस्ड और हाउ मच एनर्जी इज एक्चुअली डिसिपेटेड इन एनी अप्लायंस सो टुडे विल ट्राई टू डिस्कस गो इन टू अ लिटिल मोर डेप्थ एंड विल टेक अप सम क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स एंड विल ट्राई टू सी दैट द चिल्ड्रेन Uh, try to apply these things in their day to day life right so uh, let's start now without wasting any more time yes sure so uh, we have the uh, this uh, in the fifth session of this fifth session of this chapter which is electricity and in that uh, we have already seen that electricity is so widely and extensively used in our day to day lives and uh, we are so much dependent on this so, it becomes very important for us in science uh, students learning science that uh, they know uh, all about electricity, and this is just the beginning where they are starting to learn that uh, what are the effects of electricity, how can we measure these things. And uh, going into that, we have already found answers to so many questions like what constitutes electric current, uh, how does electric current flow in a circuit, on what factors does the flow of current depend. How do we measure electric current? How voltage and current are related, mm -hmm. and how much heat does electric current produce? And what is the commercial unit of electrical energy? And also in the previous sessions, we have learned some new terms like what is electric potential. Uh, we have learned some laws like Ohm's law, Joule's law of heating. Mm -hmm. In Ohm's law, we have come to know about something called as resistance, a property of the material resistivity. And then, what happens if you have many uh, resistances in series and parallel? Then, what is the equivalent resistance? That also we have seen how to calculate that. And uh, units of electric current, what is the unit of potential difference? Then, we also learnt about Joule's law of heating. Now, in today's session, basically, we shall uh, solve some numerical problems based on what we have learned about electricity and we'll try to relate it to the practical applications which becomes very important actually mm. until children know how where these things come into our day-to-day -day lives so we'll take up some, uh, some uh, small uh, simple questions but before going to the questions i'll just like to quickly uh, summarize what all formulas uh, were there mm. how we related the, the so many uh, things like current voltage charge time energy power so let us quickly go through that so, in case of current, we said that if a charge Q flows across any uh, cross section of a conductor in time t, then the current is given by Q by t. That is a formula for the current flowing for a charge Q okay. flowing in time t through a cross section area. And so, current is the rate of flow of electrical charges and what is electric potential? electric potential difference between two points, which is actually responsible for the flow of current in a conductor. so that is the work done to move a unit charge from one point to the other. and the potential difference, what is the potential difference v between uh, two points, that is given in terms of the work done and the charge q. that is v is equal to w by q volts. Okay? Now, um, <coughs> For a steady current, if you see, then what is the amount of heat produced? That also the formula was given by H is equal to VIT, that is, it is the product of the voltage across the terminals and the current which is flowing in the circuit, and for how much time the current is flowing in the circuit. So, that would give us tell us about the amount of heat which is produced in time t. Now, this heat produced in time t, we can also relate it to the to the appliance which we are using. Like suppose the appliance which we are using has a resistance of R, then we can bring into bring that into the formula of amount of heat produced by that appliance. So, that will be by Ohm's law, we already know that the relation between voltage and a current and resistance is V is equal to I R, and if you replace it V with I and R, then it becomes I square R t. So, these are the formulas which we have with us. and this is the Joule's law of heating. Now what another thing which we discussed was electric power. Electric uh -huh. power means the rate at which electric energy is dissipated or consumed. dekhiye hum electric energy देते हैं appliances में aur वो appliances के through हमारे पास एक और form में आती है जैसे कि हम एक fan चलाते हैं तो हम कुछ energy देते हैं और fan motion move करती है तो हमने electrical energy को mainly एक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मेनी अप्लायंसेज वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी लाइक इन ए हीटर इन अ गीजर ओके सो देर वी आर एक्चुअली टॉकिंग ऑफ टू थिंग्स हाउ मच एनर्जी वी आर सप्लाइंग एंड हाउ मच एनर्जी इज कमिंग आउट ऑफ द अप्लायंस हम कितना सप्लाई कर रहे हैं और कितना उससे हमें मिल रहा है तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए द रेट एट विच दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट

या वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं सो दिस इज कमिंग फ्रॉम ओम्स लॉ एंड द पावर यूनिट वाज वॉट डब्ल्यू ए टी टी वॉट एंड वन वॉट इज गिवन एज वन वोल्ट टाइम्स वन एम्पीयर। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज द कमर्शियली वॉट नाउ इट कम्स टू द एप्लीकेशन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो आवर विच वी कॉल एज वन यूनिट जैसे कि हम कहते हैं हम बिल पे करते हैं तो कितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुए हैं इस महीने में तो वो वन यूनिट जो है वो क्या है तो वन यूनिट जो क्या जो है वो एक वन किलो आवर मतलब हम अगर वन किलो ऑफ पावर अगर वन आवर तक यूज़ करेंगे तो कितना एनर्जी खर्चा होगा सो दैट इज़ वन किलो आवर सो दैट वन किलो आवर इज़ वन वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वन किलो वॉट आवर मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल से इसे समझा सकती हूँ जैसे कि अगर हम एक आयरन यूज़ करते हैं ठीक है और उस आयरन की सपोज वाटेज है थाउजेंड वॉट्स थाउजेंड वॉट्स उसकी मैक्सिमम वाटेज हम यूज़ कर रहे हैं और उसको हम एक घंटे तक अगर उस आयरन को यूज़ करोगे तो आप वन यूनिट एनर्जी कंज्यूम करते ओके ठीक है तो ये यूनिट हमारे इलेक्ट्रिक बिल में जो आते हैं यूनिट्स है ना hmm. इस महीने में इतनी यूनिट एनर्जी खर्चा हुआ है इतना यूनिट एनर्जी खर्चा हुआ है तो वो यूनिट है तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और और उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है ये बेसिक है रिलेटेड टू ओम्स लॉ दैट पोटेंशियल डिफरेंस अगर सिक्सटी वोल्ट होगा और करेंट फोर एम्पियर्स पी ड्रॉ करेंगे देन वॉट इज द करेंट

अगर हम 120 ट्वेंटी वोल्ट्स के अक्रॉस लगाएंगे तो कितना करंट खींचेगा वो तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे 120 ट्वेंटी वोल्ट्स इज इक्वल टू आई टाइम्स आर सो आई कम्स एज एट एम्पियर सो नाउ वॉट इज टू बी अंडरस्टूड इन दिस क्वेश्चन इज दैट वेन यू आर कनेक्टिंग द हीटर ऑफ द सेम रेजिस्टेंस अक्रॉस अ हायर वोल्टेज देन यू सी इन द फर्स्ट केस योर करेंट ड्रॉन वॉज ओनली फोर एम्पियर्स नो नाउ द करेंट ड्रॉन इज

सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका फाइनल रेजिस्टेंस कितना होता है व्हाट इज़ इट सो दे हैव लर्न द फार्मूला फॉर दिस नाउ दिस व्हाट आर दिस रेजिस्टेंसेज एक्चुअली दिस रेजिस्टेंसेज आर नथिंग बट दिज आर ऑल दिज अप्लाइंसेज जैसे बल्ब हुआ फैन हुआ yeah. है ना हीटर hmm. हुआ फ्रिज टी ये सारे हमारे घर के सर्किट में कनेक्टेड रहते हैं तो सारी चीज़ों की एक hmm. रेजिस्टेंस होती है hmm. है ना तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की तो हमें अगर निकालना है तो हम उसको यूज़ करेंगे फार्मूला और फार्मूला पिछले सेशंस में वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फार्मूलाज सो वी जस्ट नीड टू अप्लाई एंड सी हाउ वी कैन वर्क आउट विद दैम सो हियर द रेजिस्टेंस वैल्यूज आर गिवन आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव ये पांच रेजिस्टेंसेज हैं जैसे हम देख सकते हैं आर वन एंड आर टू इन द फर्स्ट वन दे आर कनेक्टेड इन पैरल आर थ्री आर फोर आर फाइव आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरल एंड बोथ सेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज मतलब आर वन आर टू का सेट और आर थ्री आर फोर आर फाइव का सेट वो सीरीज में है सो योर क्वेश्चन इज दैट इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ ट्वेल्व वोल्ट बैटरी एंड यू यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट एंड देन यू कैलकुलेट द टोटल करेंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट सो वॉट देट विल डू आई थिंक बाय नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टार्ट कैलकुलेटिंग सो फर्स्ट आर वन एंड कैलकुलेट दे आर इन पैरल सो द फार्मूला इज वन बाई आर वन प्लस वन बाईन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू सो इफ यू डू वन बाई आर वन एंड वन बाय आर टू देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस सो वन बाई आर डैश लेट इस कॉल इट दैट इज़ वन बाई टेन प्लस वन बाई फोर्टी दैट इज फाइव बाई फोर्टी सो आर डैश कम्स एज एट ओम इसका मतलब ये है कि फर्स्ट दो जो दो रेजिस्टेंसेज थे जो एक टेन का था और एक फोर्टी का था क्योंकि वो पैरेलेल में कनेक्टेड थे तो उनका इक्वेवलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है एट ओम तो अब ये यहाँ पे बच्चे नोट करेंगे कि जब पैरेल में कनेक्टेड है हमारा टोटल रेजिस्टेंस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कमिंग लेस देन ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस देखिए एक था टेन एक था फोर्टी बट हमारा इफेक्टिव कितना आया एट सो एट इज़ लेस देन टेन एंड फोर्टी क्योंकि वो पैरेलेल में कनेक्टेड है दोनों okay. इस तरह से हमने कनेक्ट किया सिमिलरली इफ यू गो टू द नेक्स्ट सेट तो वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे वन बाय आर डबल डैश इज इक्वल टू वन बाई थर्टी प्लस वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई सिक्सटी क्योंकि वो थर्टी ट्वेंटी सिक्सटी आर द थ्री रेजिस्टेंसेज सो वी आर गेटिंग R डबल डैश इज टेन हियर ऑल्सो यू कैन नोट द सेम थिंग इज इट नोटिसिबल R डैश इज टेन होम्स वेर इज ईच ऑफ द रेजिटेंसेज आर थर्टी ट्वेंटी सिक्सटी सो इट इज़ लेस देन ऑल ऑफ देम So, when we connect the resistances in parallel, then our net resistance, the total resistance of the circuit becomes less than individual resistances. Mm -hmm. That is what they can note. And once now these two are in series again, now again you can note here it is 10 plus 18. So, when they are in series, then our total resistance becomes more than each of them. You see, one is 10, one is 8. So, our net resistance is 18 ohms. So now we are getting resistance more than that. Mm -hmm. So now it is very simple for us because we know the value of R. So V by R is 12 by 18, which is 0.67 ampere. So in this case, the, this circuit would draw 0.67 amperes of current. Now Yek just uh, <coughs> ek electric bill or appliance cap specifications likhi उसका ये थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा ये अक्सर हम ये बिल देखते हैं और बड़ा उसको पढ़ते तो हम बहुत बारीकी से लेकिन वो काफी चीजें तो समझ में आती नहीं कि आखिर आया कैसा फिर हार कर एक ही चीज करनी पड़ती है चलिए जितना बिल आया है उतना हम शांति से जाके दे देंगे पर चलिए आज मौका है आज समझ लेते हैं और इस लिंक को मैं बार बार जाके देखूंगा कि आखिर ये होता है कैसे यही चीज़ है जो समझना है बच्चों को भी और हम और बच्चे भी मतलब इतना समझ जाते हैं कि वो अपने घर के दूसरे लोगों को भी समझा लेते हैं जब वो ये सब पढ़ लेते हैं और हमारा मेन उद्देश्य वही है ये सब पढ़ाने का कि बच्चे भी जाने ये अप्लाई कैसे होते हैं तो अगर आप देखोगे तो इस बिल में हमारे बहुत सारी चीज़ें रहती है कि पिछले महीने कितना आया था वहाँ से यूनिट स्टार्ट होती है सो बेसिकली वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पिछले महीने तक अगर आपकी 1150 यूनिट से रीडिंग स्टार्ट हुआ है तो इलेक्ट्रिक बिल जब देते हैं वो एक मीटर देखते हैं है, है ना फर्स्ट मंथ में लास्ट रीडिंग देखेंगे उसके एंड में फिर से रीडिंग देखेंगे हाउ मेनी यूनिट्स सो दैट मेनी यूनिट्स विल बी चार्ज्ड सो वो यूनिट कैसे होते हैं अगर आप एक अप्लायंस थाउजेंड वॉट का एक घंटा चलाएंगे तो वन यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी ठीक है सो वन यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन दैट केस सो वी विल सी विद वन कैलकुलेशन देर नेक्स्ट कमिंग अप एंड बिहाइंड द अपलायंस इज दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू मस्ट हैव सीन वोटेज लिखा रहता है वोल्टेज लिखा hmm. रहता है ये इसका क्या मतलब है ये इसके अंदर लिखा है वोल्टेज इज थाउजेंड वॉट्स वोल्टेज टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टू फिफ्टी और समथिंग लाइक दैट सो दैट मीन्स वी हैव टू कनेक्ट दिस अप्लायंस अक्रॉस दैट मच वोल्टेज उससे कम में नहीं करना है hmm. उस रेंज के अंदर करना है और उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी जो जो उसके जो, जो आउटपुट है जो वोल्टेज है वो है थाउजेंड वॉट्स ठीक है थीक तो आपको इतनी एनर्जी मिल से, इतनी पावर उस आयरन से मिल, मिल सकती हुँ. है अगर आपने कभी नोटिस किया होगा आयरन 650 फिफ्टी वाट का भी होता है 750 फिफ्टी वाट का होता है 1000 वाट का होता है 1200 हंड्रेड वाट का भी होता है तो क्या डिफरेंस है मतलब वो आयरन जो हायर वोटेज का है दैट कैन गिव यू मोर एनर्जी एंड इट विल कंज्यूम मोर ऑल्सो एंड इट विल गिव यू मोर हीट ऑल्सो ओके सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन य दैट इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ एट फोर्टी वॉट वेन हीटिंग इज एट द मैक्म आपने देखा होगा आयरन में एक रेगुलेटर भी होता है हमको ज़्यादा गर्म चाहिए या कम गर्म चाहिए है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन की एट फोर्टी वाट से जब मैक्सिमम हीटिंग है और थ्री सिक्सटी वाट है वन द हीटिंग इज मिनिमम ठीक है ठीक है हमने अगर रेगुलेटर पूरा मिनिमाइज कर दिया तो हमको थ्री सिक्सटी वाट वहाँ पे पावर वो आ,

रेजिस्टेंस चेंज होता है वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक आयरन उसके हिसाब से जो वो हीटिंग ज्यादा या कम होती है ठीक है right. तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है एक बार क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सो पावर इनपुट इज पी इज इक्वल टू वी इन टू आई सो करेंट कंज्यूम यर द करेंट विल बी गिवन बाई पी बाई वी सो वेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट विल पुट द वैल्यूज एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एज फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स एंड वेन दिटिंग इज मिनिमम सेम फॉर्मूला अगेन सिक्स फोर एम पी एस इज द करेंट एंड ना वी आर गेटिंग फोर तब हीटिंग मिनिमम है और रेजिस्टेंस है फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स तब है हीटिंग हमारा मैक्सिम अब ये तो समझने वाली बात है कि इधर से ये इस तरीके से बदलाव कैसे हुआ हाँ ऐसे ही फ्रिज इससे बच्चे समझ पाएंगे कि देखिए एक फ्रिज कितना एनर्जी कंज्यूम करता है hmm. अगर 400 हंड्रेड वोल्टेज का एक फ्रिज है ऑपरेट्स एट आठ घंटे चलता है दिन में वॉट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू इट फॉर थर्टी डेज मतलब एक महीने में कितना कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा

थाउजेंड नाइन्टी वाट आवर मतलब 96 सिक्स किलो वाट आवर मतलब एक फ्रिज अगर आठ घंटे चलेगा फोर hmm. हंड्रेड वाट का यहाँ पे तो वो एक महीने में इट विल टेक 96 सिक्स किलो वाट आवर मतलब कितना हुआ 96 सिक्स किलो वाट आवर मतलब 96 सिक्स यूनिट्स ठीक है तो आप सोचो 24 घंटे अगर फ्रिज चलेगी तो उसका भी उसी हिसाब से आएगा जी हाँ तो द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट For 30 days, is coming as 288 rupees. This is only 8 hours. So, here I there is some more motive behind this. That is, children should understand the importance of uh, saving and using electricity in a very uh, uh, good, uh, proper manner, and efficient manner. And we should have energy-efficient devices so that we save electricity.

वेस्ट ना होने दे है ना और जब भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए एंड वी नीड टू दिस इज़ बिकॉज वी आर यूजिंग द थर्मल पावर एंड दोर्सेज आर एक्चुअली नॉन रीनबल सोर्सेज सो विच नीड टू शिफ्ट ओवर टू द सोलर एनर्जी एंड जो हमारे जो हमारे रीनीबल रिसोर्सेज है उस तरफ हम, हमें जाना चाहिए आई थिंक एक एक बात आपने अभी जो इशारोंशारों में बताई है थोड़ी सी पुशीदा रही लेकिन एक गुप्त संदेश भी है कि आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं अननेसेसरी लेकिन वो जा रहा है तो वो ओबियसली आ ही रहा है उसका आउटपुट भी आप ही नहीं देना है तो बिजली जितनी आप बचाएं जितनी आपके यूज़ में है आप उतनी कंडक्ट करें लेकिन कुछ एक जो चीज़ें हैं मसलन फ्रिज है जो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन चल रहा है यस इलेक्ट्रिक प्रेस है वो वो भी हम इस्तेमाल में कहीं ना कहीं लाते हैं तो इनको दो चार जो, जो चीज़ें हैं जिनके बगैर नहीं चलता और जो चीज़ें हैं कम से कम उन पर तो हम कहीं ना कहीं नियंत्रण कहीन कर ही सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं उन उन सब चीज़ों पर हमें करना भी चाहिए नियंत्रण चलिए वापस आते हैं और इस टॉपिक की बात करते हैं चार सेशन इस पर ऑलरेडी हो चुके हैं ये पांचवा है और कुछ एक प्रश्नों को रखकर भी इसको हमने अच्छी तरीके से समझा और देखा कई बार लाइव सेशन में एक प्रश्न पूछे गए हैं कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नियर बाय हैं और फिर भी मैं डरा हुआ हूं तो ये जो डर है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको काफूर करें अभी भी हमारे पास चार से पाँच मिनट का वक्त है जी हाँ एग्ज़ाम का डर तो एक्चुअली रहता है स्टूडेंट्स को लेकिन आ, वो डिपेंड करता है कि वो अभी आ, वो कितना मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ों को समझने में और उनमें और उन्हें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट uh, को या टॉपिक को वो बहुत वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है hmm. और यूजुअली बच्चों को जो डर रहता है वो मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट से ही रहता है तो अगर uh, बच्चे उनको ठीक से समझने की कोशिश करें उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो सब्जेक्ट्स मैथेमेटिक्स कभी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं चारों तरफ तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है बेस्ट वे इज़ दैट वी टीच चिल्ड्रेन द एप्लीकेशंस जैसे कि आज के सेशन में भी हमने कैसे पावर एक इलेक्ट्रिक बिल में कितनी कितना हम पेमेंट कर रहे हैं हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारे घर में हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और हमें एक आइडिया भी होना चाहिए कि हमारे कौन से अप्लाइंसिस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जैसे कि एयर कंडीशनर हुआ या गीज़र हुआ ये सब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और हम हमें उनको चलाने के टाइम या यूज़ करने के टाइम हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए hmm. तो अगर वो तो एक पार्ट है लेकिन अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि एग्जाम के साथ एग्जाम की बात जब आती है जब स्टूडेंट्स वैन दे अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ एंड दे सी द थिंग्स अराउंड अस देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम एंड दे डोंट हैव दैट डिफिकल्टिंगस्टैंड uh, that, uh, that that hmm. yeah. चलिए इतनी सारी बातें और भी हैं चलिए एक एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑनलाइन uh, क्लासेज की भी तो खैर uh, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं आपने भी एक हज़ार से ऊपर तो कंडक्ट कर ही दिए होंगे एज ए टीचर आई थिंक सजदा करना बनता है इतना uh, खराब समय है आई थिंक खराब इसलिए कि वो वबा के चलते हम कहीं ना कहीं उसको कंडक्ट कर रहे हैं फिर भी जो आउटपुट यहाँ से हम दे रहे हैं ख़ासतौर से जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको चीज़ें समझने में शायद उतना वक्त नहीं लगता क्योंकि वो तर्क संगत तो नहीं है वो डिपेंड करता है क्यों जो हम एक साइंस में एक टर्म यूज़ करते हैं कि अगर एक्चुअल रिजल्ट है तो ओबियसली है उसमें अगर मगर की स्थिति नहीं है चलिए यहीं से एक वो बात निकल कर आती है कि जो बच्चे रीजनल स्टेट्स में हैं वहाँ पर रह रहे हैं उनके पास उतनी समझ विकसित नहीं है लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस का एक दौर जो चल रहा है कंटिन्यू तो कितना वो समय उनके मस्तिष्क में हुआ कितना नहीं हुआ कितना मेंटली प्रेशर में वो आए हैं साइंस कैसे इसमें हेल्प कर सकता है यदि भी पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन लेना देना इसलिए है कि वो आपको तैयार कर सकता है आगे आप किस तरीके की रणनीति बनाए वो कितने पॉजिटिव आप देखिए ऑनलाइन क्लासेज मुझे ये बुरा समय तो ज़रूर चल रहा है ये तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी है जो अच्छी नहीं हैं लेकिन हर बुरे चीज़ में भी कुछ अच्छा छुपा होता है और हमने इस सिचुएशन में इसको ऐसे यूज़ किया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए लेकिन जो हमने एक एक और एक और डायमेंशन एक पढ़ाने का एक और तरीका एक्सप्लोर किया और इसके भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं है ना और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है अगर हम चाहें तो और ये है कि फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस का तो एक अलग ही इम्पोर्टेंस है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हम जितना एक्सप्लेन और एक्सप्लोर ऑनलाइन क्लासेस में कर सकते हैं बच्चों को उतना हम शायद कभी कभी फ़ेस टू फेस क्लासेस में नहीं कर पाते हैं हाँ इसका एक ये है कि बच्चों को उतना ध्यान देना पड़ता है और ये गैजेट्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बहुत सारे बच्चों के रीच में नहीं है बहुत सारे बच्चे एफर्ड नहीं कर सकते हैं उसको लेकिन इस इस समय साइंस के समझने में तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेज ने बहुत ज़्यादा उसका उसको हेल्प किया है exactly. बहुत ज़्यादा बढ़ाया है काफ़ी हेल्प किया इसमें कोई संदेह नहीं है दो मिनट का समय अभी हमारे पास बाकी है जल्दी से एक एक चीज़ और भी बच्चों को बताएं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए खासतौर से जब हम साइंस की बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट इन सब की चीज़ों को पढ़ते हैं जी। तो वहाँ पर किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है उससे भी बड़ा सवाल ये है कैसे उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है चलिए इसकी बात हो रही है हीट इफेक्ट्स की बात हो रही है ये फार्मूला है और ये मैंने कर दिया हाउ इज़ दैट पॉसिबल वही वही मैं शुरू से कहते आ रही हूँ कि याद रखने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है वी नीड टू अंडरस्टैंड इट है ना एक्चुअली अंटिल वी अंडरस्टैंड इट वी कैन नॉट रिमेंबर रिमेंबरिंग इज वन ऑफ द पार्ट वन पार्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट सो अंटिल यू अंडरस्टैंड सी अंटिल वी अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द वॉट इज वॉट इज एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट वॉट इज ओम्स लॉ वॉट इज पावर वॉट इज एनर्जी तो इन डेफिनेशन जो है एनर्जी की डेफिनेशन पावर की डेफिनेशन ये कोई रट्टा लगा के अगर याद रखेगा तो उसे याद नहीं रहेगा सो इफ़ यू ट्राई टू लर्न इट बाई रोड मेमोराइजेशन देन इट विल नॉट रिमेन इन योर मेमोरी फॉर अ वेरी लॉन्ग फॉर शॉर्ट टर्म इट विल रिमेन बट वैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली एनर्जी इज एंड वैन यू आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन हाउ इज़ एनर्जी कमिंग बिकॉज एनर्जी विल कम इन एवरी इन ऑल प्लेस पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक और है यहाँ पर

with the help of your teacher and with the help of online videos mm -hmm. we can always uh, look go into the depth and we can uh, that gives a better understanding once we understand the concepts then uh, rote learning is not essential and uh, लंबे uh, yeah. yeah, yeah, समय तक आप उसको याद रख सकते हैं yes. बिल्कुल तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं थोड़ा सा अब हम जो लर्निंग प्रॉस्पेक्ट है स्ट्रेटेजी है उसको बदलेंगे और लंबे समय तक याद रखने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है अगर वो आपके मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठ जाता है तो फिर चीज़ें यूं यूँ 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 यू, होती चली जाती हैं बहुत कम वक्त में तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के ऊपर पाँचवा और अंतिम भाग इन सबकी जो लिंक है वो अवेलेबल है एन ऑफिशियल पर आप जाकर क्रम अनुसार उसको देख सकते हैं अभी तक जिन्होंने देर से ट्यून किया है तो उससे परेशान होने की कितने ज़रूरत नहीं है आप एक दो तीन चार पाँच सीक्वेंस से उसको देखेंगे और जो कुछ भी आज हमने क्वेश्चन डील की हैं कुछ बातें हमने जो आप तक पहुँचाई हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो जो भी समस्याएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस जुड़ाव के लिए और अफकोर्स बहुत बहुत शुक्रिया गौरी राय जी आपने भी अपना समय यहाँ आकर स्टूडियो से हमारे बच्चों के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अगला जो सेशन है वो है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्लास टेन और वहाँ पर हम समझेंगे ग्रेखा चित्र राम पृक्ष वेनीप्रीगा बाल गोविंद वेन भगत छोटे से ब्रेक के बाद स्टेडियम